हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल सो इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं अर्घदीप देवनाथ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप एक बेंच पावर सप्लाई बना सकते हो मल्टीपल आउटपुट का एक कंप्यूटर एसएमपीएस को इस्तेमाल करते हुए। तो इस टाइप का जो एसएमपीएस है, मल्टी चैनल आउटपुट वाला एसएमपीएस, हम लोग ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबी और लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग दिखाएंगे कैसे इस टाइप का जो एसएमपीएस के मदद से हम लोग एक बंच पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में जो ये पीएसयू आप लोग देख रहे हो, ये है एक यूमेक्स का एसएमपीएस 450 वाट। हालांकि इस टाइप का जो एसएमपीएस हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मैंने आज एक आईबॉल का एसएमपीएस यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके इस्तेमाल करके हम लोग एक पावर सप्लाई बनाएंगे मल्टी चैनल आउटपुट का। ये आप लोग देख सकते हो, ये है इसका बोर्ड और ये है इसका वायर जो आईबॉल के ओरिजिनल कंपोनेंट है। तो एक चीज़ आपको देखना चाहिए, अगर कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो तो उसको रिप्लेस करके ही आप इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर कोई भी कंपोनेंट फॉल्टी होगा तो डैमेज हो सकता है। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया, ये जो वाला जो कैपेसिटर है, मैं एक बार आपको देखने का कोशिश करूँगा। ये वाला जो था ये ख़राब हो चुका था तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। बहुत सारा लोग अगर पावर सप्लाई बनाते हैं तो बेंच पावर सप्लाई बनाने के लिए वो लोग बनाना प्लग का इस्तेमाल करते हैं, बनाना जो जॉक जैकेट सॉकेट होता है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ डिक वाला एक सॉकेट, ये आप लोग देख सकते हो, ये है डिक वाला सॉकेट। डिक मतलब जो स्पीकर कनेक्टर सॉकेट होता है वो वाला सॉकेट। तो हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्पेयर के लोड तो नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग छोटा मोटा ही इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने होल कर लिया है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, जो डिक वाला जो कनेक्टर आप लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका जो पिन है वो आइसोलेटेड हो, नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है। अगर शॉर्ट हो जाएगा तो एसएमपीएस जो है ना वो नहीं ऑन होगा, अगर प्रोटेक्शन है तो। अगर नहीं प्रोटेक्शन है तो जो सर्किट बोर्ड है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इंसुलेशन कर लिया है वो ऊपर से, और अंदर से इंसुलेशन करने के लिए मैंने इंसुलेशन ट्यूब का इस्तेमाल करूँगा, और आप लोग हीट सिंक ट्यूब के भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो एसएमपीएस का बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड, मैंने क्या किया, ये पहले ऐसा था, ऐसा लगाने के बाद जो प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पर जो पिन है डिक वाला जो सॉकेट का पिन, वो यहाँ पर हीट सिंक के साथ टच हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा वायर लगा लिया और इसको जो है इसको रोटेट करके यहाँ पर सेट कर दिया। और सेट करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनफ यहाँ पर स्पेस हो रहा है, और स्पेस होने के साथ साथ फैन भी यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पर मुझे इनफ स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार फ़ैन को सेट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए फ़ैन हो रहा है, सेट हो रहा है। तो अगर आप कोई भी एसएमपीएस इस्तेमाल करने वाला हो तो मेक श्योर दैट जो एसएमपीएस का साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, ना कि छोटा साइज़ का एसएमपीएस आप लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो डिक वाला कनेक्टर है, स्पीकर वाला कनेक्टर मैंने यहाँ पर लगा लिया। हालांकि वो जो स्पीकर वाला कनेक्टर मैंने यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पर चलिए एसएमपीएस का जो बोर्ड है उसको सेट कर लेते हैं। लगाने के बाद आपको चेक कर लेना है जो कोई भी पिन है वो कैबिनेट के साथ शॉर्ट ना हो। अगर ग्राउंड शॉर्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव जो आउटपुट है उसका पिन शॉर्ट हो जाएगा तो एसएमपीएस स्टार्ट नहीं होगा। का जो एसएमपीएस है वो बहुत ज़्यादा ईआर नॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप एक जो सर्किट है उसमें एक रेजिस्टेंस लगा के आप इसका जो वोल्टेज है, 12 वोल्ट में ये फैन चलता है, उसका वैल्यू आप कम कर सकते हो। चलिए फैन का जो कनेक्टर है इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा जो वायर है उसमें जो सेम वायर है उसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम ही है। तो यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंट कलर के जो वायर है उसका जो वोल्टेज आउटपुट है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और एक भी प्रोसेस है, आप एसएमपीएस कोई भी एसएमपीएस हो उसके कैबिनेट के साइड में आप देख सकते हो कौन सा कलर की कितना वोल्टेज आउटपुट निकल रहा है, और उसका जो एम्पेयर भी देख सकते हो। हालांकि जो एम्पेयर कैलकुलेशन करने के बाद आप ये कैलकुलेट कर सकते हो जो एसएमपीएस का कितना वाट आउटपुट हो सकता है। तो मैंने ये देखा है इस जो एसएमपीएस है इसका जो आउटपुट है वो तकरीबन 200 वाट के आसपास है। चलिए हर एक जो वायर है, हर टाइप का वायर के सेम साइज़
ऐसा करके हम लोग कट कर लेते हैं, और कटने के बाद हम लोग ये काम करेंगे, इसको जो वायर है वो सेम वायर का हम ट्विस्ट करके हम लोग जो कनेक्टर है उसमें सोल्डर कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कौन से कलर के कितने वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, और उसका एम्पेयर भी आप लोग देख सकते हो, मैक्सिमम एम्पेयर कितना आप ले सकते हो। सोल्डरिंग करने से पहले हम लोग एक काम करेंगे, हर एक जो वायर है उसका आउटपुट वोल्टेज हम लोग मेज़र कर लेंगे पावर केबल लगाने के बाद। यहाँ पर मैं पावर केबल लगाने वाला हूँ, और उसके बाद मैंने ये जो ये SMP इसको टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है ग्रीन वाला एक वायर और एक ब्लैक वायर, मैंने यहाँ पर ट्विस्ट करके लगा दिया है, क्योंकि ये जो ग्रीन वाला जो वायर है ये पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये पावर सप्लाई अगर ग्राउंड के साथ जुड़ जाए, मतलब जो ग्रीन वाला जो वायर है ये ग्राउंड के साथ जुड़ जाए, तो मतलब ब्लैक वायर के साथ जुड़ जाए, तो ये जो SMPS है ये विदाउट मदरबोर्ड ये ऑन हो जाता है। हम लोग एक काम करेंगे, ये SMPS के एक पावर स्विच लगाना पड़ेगा, हम लोग इस जो ग्रीन एंड ब्लैक वायर के साथ ही स्विच लगाएंगे। यह पर आप लोग देख सकते हो जो है मैंने स्विच दिया है, और ये पर जो फैन है वो स्टार्ट हो गया है, तो ये चल रहा है। आप लोग देख सकते हो फैन जो है ये स्पिन कर रहा है, मतलब जो पावर सप्लाई ऑन हो गया है। हालांकि हम लोग हर एक वायर के जो वोल्टेज है वो मेज़र नहीं करेंगे, हम लोग हर टाइप के कलर के वोल्टेज मेजर करेंगे। येलो वाला में है 12 वोल्ट, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कुछ वायर में आपको ज़्यादा मिलेगा, कुछ वायर में आपको कम मिलेगा। ये जो है ये SMPS टू SMPS वेरी करता है, अप्रॉक्स आपको सेम ही मिलेगा, 5 मतलब 5.1 समथिंग, 12 मतलब 11.9 समथिंग, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो देखते रहिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो वायर है उसको मैंने यहाँ पर इसे सोल्डरिंग करने वाला हूँ। तो चलिए, एक जो है ये सोल्डरिंग हो गया है, और बाकी जो रह गया है उसको भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। को बता देता हूँ कौन सा वोल्टेज मैंने कहाँ पर लगा दिया है। ये है +12 वोल्ट, ये है ग्राउंड, ये है -12 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट BSB, ये है 5 वोल्ट, ये है एक जो ग्राउंड, और यहाँ पर और एक ग्राउंड को मुझको जम्पर करना पड़ेगा, और ऑरेंज वाला जो है वो है 3.3 वोल्ट। ये जो पावर सप्लाई है दोस्तों इसको भी ऑन ऑफ करना पड़ेगा, हम लोग एक स्विच को इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देख सकते हो ये एक स्विच है, और इस स्विच का रेटिंग भी हम देख सकते हो, एम्पेयर रेटिंग ये 4 एम्पेयर 250 वोल्ट का AC का एक स्विच है। हम लोग इसको भी DC में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस फीडबैक में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दो जो ब्लैक वायर मतलब जो दो ग्राउंड वायर है उसको ट्विस्ट करके हम एक पिन के साथ ये सोल्डरिंग कर देंगे, और दूसरे पिन पर ग्रीन वाला जो एनेबल जो वायर है मतलब जो SMPS ऑन करने के लिए विदाउट मदरबोर्ड ऑन करने के लिए जो वायर इस्तेमाल करता है उसको भी हम लोग सोल्डरिंग कर देंगे।
सब कुछ लगाने के बाद हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे, जो कैबिनेट का ग्राउंड रहेगा वो कंटिन्यूटी आएगा, उसमें कंटिन्यूटी आएगा, और अलग जो वायर होगा आउटपुट जैसा कि 12-12, 5, 3.3 ऐसा जो BSB ऐसा जो वायर का आउटपुट है उसमें कुछ रीडिंग आपको शो देखने को मिलेगा। हालांकि उसमें 0 ohms के रीडिंग्स नहीं आना चाहिए, तो कंटिन्यूटी जरूर टेस्ट कर लेना, क्योंकि स्टार्ट करने के पहले अगर नहीं करेंगे, अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ये जो SMPS है चल सकता है। अगर आपका ज़रूरी हो तो हर जो आउटपुट है उसमें अलग अलग आप कलर के LED लगा सकते हो, और उसके बाद आप ये पर डिस्प्ले भी लगा सकते हो कितना एम्पेयर यहाँ पर आउटपुट निकल रहे, वो वाला जो वोल्ट एमीटर होता है वो भी आप लगा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखते रहें।